हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट रिजोल्यूशन स्टडी पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोल्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड फोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोल्स अप टू द फॉर्मेशन ऑफ थायो एस्टर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दिस रिएक्शन दैट थायो एस्टर इज फॉर्मड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव विद थायोल्स। Now in this lecture we are going to discuss the remaining four chemical reactions. Now the next chemical reaction is the number 5, which is reaction with alkyl halide. Reaction with alkyl halides. जब हम बात करते हैं alkyl halides की तो आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखी होगी कि जब भी हम अल्कोहल की अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन होती थी, ओके, और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाता था। तो सिमिलर वे में जब भी हम थायोल के रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स के अल्काइल हैलाइड्स के साथ तो यहाँ पर भी थायो ईथर की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाएगा। रिएक्शन देखिए, जैसे आपके पास है इथाइल इथेन थायोल, इसके रिएक्शन किया आपने मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर इथाइल मिथाइल थायो ईथर की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो जाएगा केमिकल रिएक्शन से। तो ये रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, थायोल अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं और थायो ईथर की फॉर्मेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब देखिए, जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन करते थे एल्डिहाइड के साथ तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती थी एसिटल की, और जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करते थे कीटोन के साथ तो फॉर्मेशन होती थी कीटल की। तो अगर हम अल्कोहल की जगह थायोल्स की रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी, थायो एसिटल और थायो कीटल की। तो ये डिफरेंस रहेगा, बाकी रिएक्शन आपकी सेम होती है और इस रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन नहीं करना चाहते तो आप इसको प्रोटेक्ट करोगे थायोल्स के साथ एसिटल या कीटल की फॉर्म में, ओके। नाउ द रिएक्शन इज एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में आपने लिया, जैसे ये एक एल्डिहाइड लिया आपने, इसकी आपने रिएक्शन कराई टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन थायोल से। टू मॉलिक्यूल्स क्यों लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में रिमूव होगा और बाकी जो भी कंपाउंड है आपका ऐसे ही दो बॉन्ड बनाएंगे। एल्डिहाइड से बना था तो एसिटल हो जाएगा और कीटोन से बनता तो कीटल हो जाएगा। ये है थायो एसिटल। नाउ अगर आपको कीटोन से रिएक्शन करनी है तो बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगी, डबल बॉन्ड आप रिएक्शन कर सकते हो किसी भी थायोल के साथ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो वाटर है ये रिमूव हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर से और बाकी जो भी कंपाउंड है आपका कीटल थायो कीटल्स बना लेगा, ओके। तो ये रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की थायोल्स के साथ। बताया मैंने आपको किस रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन का मतलब है केमिकल रिएक्शन ना हो इन ग्रुप्स की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन नंबर 7, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर आप डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस लेकर चलते हो तो थायोल के ऑक्सीडेशन से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल H2O2। तो जो H2O2 होता है जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ये क्या करेगा, थायोल को डाइसल्फाइड में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? डाई सल्फाइड में, जैसे कि अल्कोहल परोक्साइड में कन्वर्ट होती है ना, ऐसे ही थायोल्स किस में कन्वर्ट होंगे? डाई सल्फाइड्स में। साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। लेकिन आपने लिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको मिलेगा सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा? सल्फोनिक एसिड। देखिए, ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ थायोल्स। हमने देखा कि जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेकर चलते हैं तो यहाँ पर डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर चलते हैं तो सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल में जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है? ऑक्सीडेशन करने के बाद एल्कोहल पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, फिर कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ले इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है? कार्बन की। लेकिन अगर थायोल की बात करोगे तो थायोल में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, ना कि कार्बन की। तो ये दोनों में डिफरेंस है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुए? सल्फर की, ना कि कार्बन की। नाउ द लास्ट रिएक्शन इज डीसल्फ्यूराइजेशन। लास्ट रिएक्शन इज डीसल्फ्यूराइजेशन। डीसल्फ्यूराइजेशन एंड जनरली डीसल्फ्यूराइजेशन इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट ऑन हीटिंग थायोल कन्वर्टेड इनटू कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन एंड फॉर्मेशन ऑफ निकल सल्फाइड टेक प्लेस। ये केमिकल रिएक्शंस थे थायोल की जो हमने डिस्कस की है। टोटल 8 रिएक्शन हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको समझनी है। ओके, लास्ट रिएक्शन क्या थी? डीसल्फ्यूराइजेशन। डीसल्फ्यूराइजेशन का मतलब सल्फर को निकालना। और कैसे निकालेंगे? जब भी हम थायोल को हीट करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो जो आपकी थायोल होती हैं ये कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे और सल्फर रिमूव हो जाएंगे।